किस श्राप के कारण स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ में भाग जाती हैं। मित्रों, वैसे तो हमारे समाज में ये काम बड़ा निंदनीय माना जाता है कि अपने पति के रहते हुए भी स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ में भाग जाती हैं, या कोई पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी अन्य स्त्री से संबंध रखता है और वह अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री को लेकर भाग जाता है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं तो आपने अक्सर सुनी होंगी और होती भी रहती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? तो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि स्त्रियां अपने पतियों को छोड़ करके दूसरे पुरुषों के साथ में क्यों भाग जाती हैं, और शादीशुदा पुरुष अपनी स्त्रियों को छोड़कर दूसरी स्त्रियों को लेकर क्यों भाग जाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। तो दोस्तों, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी कि कौन से विवाहित पुरुष या स्त्री अपने पति या पत्नी को छोड़ करके दूसरे के साथ में चले जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये भी कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता एक सनातनीय है, जो जन्म जन्मांतरों तक एक दूसरे का साथ निभाने के लिए होता है। हमारे हिंदू धर्म में भी ये बताया गया है कि पति पत्नी कई जन्मों तक साथ रहते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करते भी हैं तो यही करते हैं कि हमारा संबंध, हमारा प्रेम, हमारा रिश्ता जन्मों जन्मांतर तक बना रहे। और दोस्तों, कुछ पति पत्नियों ने उनका साथ निभाया भी, एक दूसरे का साथ निभाया और एक दूसरे के साथ जीवन भर रहे, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपने शरीर को तो त्याग दिया, पर अपने मन और आत्मा को कभी अलग नहीं होने दिया। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में ऐसी भी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में पूरा का पूरा जीवन बिता दिया, पर दूसरे पुरुषों में उन्होंने अपने मन को कभी आकर्षित नहीं होने दिया। और दोस्तों, हमारे इस भारतवर्ष में ऐसी भी कई देवियां हुई हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों तक अपने पति के लिए तपस्या की है। और दोस्तों, पुरुष भी ऐसे हुए हैं इस भारतवर्ष में जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ करके जो कभी दूसरी स्त्री की तरफ लालायित नहीं हुए और अपनी स्त्री को कभी धोखा नहीं दिया, जैसे कि भगवान श्री राम को ही देख लो, एक ही पत्नी में पूरा जीवन बिता दिया। दोस्तों, हमारी ये इच्छा भी बिना लगाम की घोड़ी है। यदि इच्छा में असंतोष आ जाए तो चाहे हजारों शादियां कर लो, फिर भी संतोष नहीं मिलता है, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। और यदि मन में संतोष आ जाए तो एक ही स्त्री या पुरुष से जन्मों जन्मांतर आनंद मिलता रहता है। जो लोग पति पत्नी के रिश्ते को समझते हैं और निभाना जानते हैं तो उनके लिए ये रिश्ता अटूट है, और जो लोग इस रिश्ते का महत्व नहीं समझते हैं, जिन्हें ये रिश्ता निभाना नहीं आता है, जो लोग मन और इच्छाओं के गुलाम होते हैं तो वो वासनाओं के दंगल में फंस जाते हैं। जो मनुष्य के धर्म कर्म के बारे में नहीं जानते हैं और पछता का जीवन जी रहे हैं, जो लोभी और कामी होते हैं, उनके लिए ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे लोगों के लिए यह रिश्ता एक व्यापार की तरह होता है और वे कभी भी एक के होकर के नहीं रहते हैं। जो मन और इंद्रियों के गुलाम होते हैं, उन्हें कभी धर्म कर्म का कोई भी विचार नहीं सूझता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन स्त्री या पुरुषों की जो अपने विवाहित साथी को छोड़ करके दूसरों के साथ में चले जाते हैं, या अपने पति या अपनी पत्नी को धोखा दे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इस बात को इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में हजारों लाखों करोड़ों लोग बिना ही स्त्री के जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें स्त्रियों के गुणों के बारे में कैसे पता चल पाएगा कि एक स्त्री का एक पुरुष के जीवन में कितना महत्व है, क्या योगदान है? किसी पुरुष के जीवन में एक स्त्री के आने से उसकी जिंदगी में कितना सुख और आनंद आ जाता है? स्त्री की उपयोगिता और उनके गुणों के बारे में ये लोग तभी समझ सकते हैं जब उनकी खुद की अपनी एक एक स्त्री होगी।
इसलिए माता पार्वती ने सभी अविवाहित पुरुषों के लिए एक एक स्त्री देने का निर्णय लिया। इसलिए सभी अविवाहित लोगों की माता पार्वती ने अपने यहाँ कैलाश पर्वत पर सभी की दावत रखी थी। भगवान शिव और माता पार्वती की इच्छा से तरह तरह के व्यंजन पकवान बनवाए गए। न्योता पाकर के सभी अविवाहित पुरुष भगवान शिव की कुटिया पर आए तो भगवान शिव ने सभी लोगों को भोजन करने के लिए बिठाया और माता पार्वती तरह तरह के व्यंजन उन सभी अविवाहित पुरुषों को परोस परोस करके खिला रही थी। माता पार्वती जब भी कोई नया व्यंजन परोसने के लिए आती थी तो वह अपना एक नया रूप बदल करके आती थी। अब वहाँ पर कोई दूसरा परोसने वाला तो था नहीं, तो अकेली माता पार्वती ही वेश बदल बदल कर तरह तरह के भेष बदल कर और उन्हें अविवाहित पुरुषों को व्यंजन खिला रही थी। दोस्तों, भोजन करने वाले उन अविवाहित पुरुषों ने देखा कि इस भांग धतूरा पीने वाले की कुटिया में तो अनेकों सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। इतनी सारी स्त्रियों का ये बाबा अकेला क्या करता होगा, क्यों ना हम भगवान शंकर से अपने लिए एक एक स्त्री मांग लें। सभी अविवाहित पुरुषों के मन में एक सुंदर स्त्री पाने की इच्छा जागृत हो गई। सभी ने एक साथ मिलकर के भगवान शिव से कहा कि हे बाबा, तुम्हारी इस कुटिया में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और हजारों स्त्रियां हैं, तुम अकेले इतनी देवियों का क्या करते हो। प्रभु, एक एक स्त्री हमें भी दे दो, हमारा भी घर बस जाएगा। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम एक एक करके कुटिया के अंदर जाना और अपने लिए एक एक स्त्री लेकर आना। अब भगवान भोलेनाथ के कहे अनुसार जो स्त्री पाने की इच्छा रखते थे वो एक एक करके उस कुटिया में जाने लगे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से इशारे में पूछा कि अब क्या किया जाए, इन्हीं एक एक स्त्री कहाँ से दी जाए। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को इशारा करते हुए कहा कि एक काम करो, तुम इन्हीं के दो टुकड़े करो, इन्हीं में से स्त्री और पुरुष बनकर के तैयार हो जाएंगे। उस कुटिया में और तो कोई था नहीं। माता पार्वती शेर पर बैठकर अपने हाथ में तलवार लेकर के, जो पुरुष स्त्री की कामना लेकर के उस कुटिया के अंदर जाते थे तो माता पार्वती अपनी तलवार से उनके शरीर को चीर करके दो भाग कर देती थी। उनके बाएं अंग से स्त्री बनकर के तैयार हो जाती थी और उनके दाएं अंग से पुरुष बनकर के तैयार हो जाता था। वे दोनों स्त्री पुरुष हाथ में हाथ डाल करके उस कुटिया से बाहर निकल कर चले जाते थे। जब एक व्यक्ति स्त्री के साथ में उस कुटिया से बाहर निकलता तो बाहर बैठे लोगों की व्याकुलता और बढ़ जाती थी। दोस्तों, इसी तरह से कुटिया के अंदर तो केवल एक व्यक्ति जाता था, लेकिन उधर से स्त्री और पुरुष दो निकलते थे। दोस्तों, बाहर बैठे लोग सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो सुंदर सुंदर स्त्रियां पहले ही बट जाएं और हमारे लिए कुरूप स्त्रियां बचें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नंबर आते आते सारी खूबसूरत स्त्रियां बट जाएं, या हो सकता है हमारे लिए कोई स्त्री बचे ही नहीं और हम बिना स्त्री के ही रह जाएं। यही सब सोच करके बाहर बैठे जितने भी अविवाहित पुरुष थे वो सभी एक साथ उस कुटिया की ओर भाग पड़े। जब कुटिया के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती अपने दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। यही देखकर कि कुछ लोग तो डर कर वापस भाग गए। दोस्तों, कहते हैं कि जो लोग डर कर के भाग गए थे वो अब भी पूरे जीवन अविवाहित रहते हैं, और जो पुरुष माता पार्वती की तलवार के नीचे आ गए वे पत्नी और पति के रूप में बदल गए, और जो पुरुष उस भगदड़ में एक दूसरे के स्त्री को बदल ले गए, यानी अपना धड़ छोड़ गए, दूसरे के धड़ की स्त्री को ले गए, उस भीड़ में उन्हें यही समझ में नहीं आया कि हम अपने ही अंश से उत्पन्न स्त्री को ले जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे की। मित्रों, इस तरह से आज वो ही पुरुष या स्त्री एक दूसरे को छोड़ करके एक दूसरे के साथ में चले जाते हैं, और जो लोग अपने ही शरीर के भाग को यानी अपने ही शरीर से उत्पन्न स्त्री को अपने साथ लेकर के गए थे तो उनका साथ जन्म जन्मांतरों का हो गया। ऐसे स्त्री या पुरुष कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं और ना ही दूसरे के साथ में भागते हैं। दूसरे स्त्री पुरुषों से वही संबंध रखते हैं जो अपने वास्तविक अंश से अलग होकर के दूसरों के हाथों में पड़ गए। वही स्त्री या पुरुष एक दूसरे को धोखा देकर एक दूसरे के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं,
कि पुरुष का बायां अंग स्त्री का होता है और आधा दायां अंग पुरुष का होता है। दोस्तों, माता पार्वती और भगवान शिव ने उसी एक शरीर को दो अलग अलग रूपों में बना दिया। जो लोग अपने ही शरीर से निकली हुई स्त्री के साथ में रहते हैं तो पूरा जीवन सुख और चैन से रहते हैं, किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता है और उनका पति पत्नी का रिश्ता हमेशा के लिए अटूट बना रहता है। दोस्तों, ये तो कल्पनाओं पर आधारित एक कहानी थी, पर वास्तविक मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही भोग भोगता है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही हमें पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, माता पिता, भाई बहन मिलते हैं। हमारे जीवन में कभी पत्नी दुख देती है तो कभी पुत्र दुख देता है, कभी पति दुख देता है। ये सब पिछले कर्मों का हिसाब किताब होता है। जब तुमने किसी के साथ में धोखा किया होगा तो तुम्हें भी किसी न किसी के रूप में धोखा अवश्य मिलेगा। और चरित्र से वही लोग गिर जाते हैं जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता है, जो अपनी इंद्रियों के नौकर होते हैं, जिनका नैतिक पतन हो जाता है। वही लोग पति या पत्नी को छोड़कर एक दूसरे के संग में चले जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं ये इच्छाएं, ये सुख कभी किसी के पूरे नहीं हुए हैं। कहते हैं एक को पाकर दूसरे की इच्छा होती है, दूसरे को पाकर तीसरे की इच्छा होती है। इसी तरह से ये इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।